स्पीकर का पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ, और स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। और जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे और माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स हम लोग सब थे वहाँ। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। Only file the nomination. It's a party decision, not my decision. Okay. You have to ask the party leaders. They will give you details. Do you hope that you will win? It's a contest. How can I say I will win or lose? This is an election. After result only we can understand. Sir, संख्या बल तो साफ दिखाई देता है, क्या रणनीति रही है? क्या डिप्टी स्पीकर हैव यू मेजॉरिटी? यू हैव नॉट मेजॉरिटी डिस्पाइट दैट यू हैव फाइल। वेदर विनिंग और लूसिंग, देयर इज अ कन्वेंशन इन लोकसभा, सो स्पीकर विल बी इन द रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन विल बी द डिप्टी स्पीकर। लास्ट टू इलेक्शन, लास्ट टू लोकसभा दे डिनाइड अस बिकॉज दे सेड यू आर नॉट अ रिकग्नाइज्ड ऑपोजिशन। नाउ वी आर अ रिकग्नाइज्ड ऑपोजिशन, इज अ डिप्टी स्पीकर इज राइट for us, but they are not ready to give us again till 11:50. We are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there.